दोस्तों हम सभी ने अपने मोबाइल में ऐसे बहुत सारे सेटिंग को अनेबल किए हैं और सभी सेटिंग को लगभग जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि अपने कीबोर्ड में भी ऐसे कुछ सेटिंग है जिसको हम अनेबल करने पर हमारा मोबाइल काफ़ी बेहतर लुक शो होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप वहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं और अपने मोबाइल का लुक काफ़ी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक देखने में आपको आकर्षित लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये जानते हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल में कीबोर्ड की इस सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं और ये कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक बेल का आइकॉन मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल पर आ चुका हूं और यहां पर सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। तो ये देख सकते हैं मेरे यहां पर सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। मैं यहां पर क्लिक किया और यहां देखिए मेरा सेटिंग ओपन हो चुका है और यहां पर आपको स्लाइड करते हुए नीचे जाना है। आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर नीचे चले आना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, देखिए यहां पर ये आ चुका है लैंग्वेज एंड इनपुट का, मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नीचे जाना है और यहां पर गूगल INDIC कीवर्ड पे जाना है। देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर कीबोर्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं सभी ऑप्शन शो होने लगे। अब आपको जिसे यहाँ पर ऑन करना है उसे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कीवर्ड हाइट पे जाता हूँ। ये रहा कीवर्ड हाइट, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलरेडी नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पर इसे कट करता हूँ और कीवर्ड को ओपन करके दिखाता हूँ फिलहाल ये मेरा कीवर्ड कितना बड़ा है। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ, ये रहा नोटपैड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा कीवर्ड है। आप इसमें देख सकते हैं इसका जो हाइट है बहुत ही अभी कम है, यानी कि अभी नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसे फुल कर देता हूँ। इसके बाद ओके पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये कितना बड़ा शो होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इजीली टाइप कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ से बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन था। तो फिर से मैं इसे कट करता हूँ और फिर मैं दूसरे आपको दिखा देता हूँ, दूसरा कौन सा है, ये है शो वॉइस इनपुट बटन। आप यहाँ पर वॉइस के जो सिंबल वहाँ पर शो होते हैं आप उसे यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं अगर डिसेबल हो तो। अगर आपको कोई परेशानी हो टाइप करते वक्त आप उसे डिसेबल भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ और इसे डिसेबल कर देता हूँ। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर डिसेबल कर दिया और फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर ये शो हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर फिर से गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंबल हट चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप वहाँ पर शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे अनेबल ही रहने देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ आप अपने इस थीम को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थीम के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर कीवर्ड थीम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ करने के बाद मैं आपको फिर से ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने थीम को भी चेंज कर सकते हैं और आपका थीम भी काफ़ी यहाँ पर बढ़िया शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप अगर चेंज करके आप यूज़ करते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड के बोरिंग का अनुभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने कीबोर्ड के सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस तरह के सेटिंग करते हैं तो अपने मोबाइल में तो आपका मोबाइल काफ़ी बेहतर दिखने लगेगा और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसा सेटिंग आपको हमेशा देखने को नहीं मिलता है, सभी के मोबाइल में एक ही जैसे सेटिंग रहते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आपको कुछ अलग का अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक बेल का आइकॉन मिलेगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसे की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।